और जाति आधारित। अगर देखेंगे पहला जो चैप्टर है इसमें अगर देखोगे भारत में राज्य की राजनीति में विकास और 1.4 देखिए, ठीक है। अगर 1.4 में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति में देखेंगे 80 के दशक में किस प्रकार की राजनीति रही। तो 80 के दशक की अगर हम देखेंगे तो 80 के दशक में जो पूरी राजनीति रही, ठीक है। स्क्रीन तो वैसे भी नहीं शो कर रखा, आप सुन लीजिए, स्क्रीन का मैं बता दूंगा, वैसे भेज रखा वहां पर देख ले। देखो 80 के दशक में जो राजनीति रही कैसी राजनीति रही, पहचान आधारित राजनीति का उदय होता है, ठीक है। सुन लीजिए, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, पहचान आधारित राजनीति का कहीं ना कहीं विकास होता था। देखो 80 के दशक के बाद घटनाक्रम में भारत में राज्य की राजनीति में राजनीतिक पर जो परिदृश्य हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर भारतीय राज्यों में देखेंगे तो जो राजनीतिक परिदृश्य थे वो कहीं ना कहीं क्या, उनमें कहीं ना कहीं अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्र और राज्यों के स्तर पर गठबंधन की राजनीति कहीं कहीं क्या बोल रहे हैं, हेलो, ठीक है। देखो अभी की जो वहां पर पूरी राजनीति रही, ठीक है, पूरा अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो 80 के दशक में किस प्रकार की राजनीति रही, जैसे गठबंधन सरकारें कहीं कहीं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अलायंस सरकारें कहीं कहीं बनी, यानी जैसे जैसे केंद्र में, जैसे जैसे केंद्र में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही थी, वैसे वैसे कहीं कहीं राज्यों में जो हमारे क्षेत्रीय दल थे, यानी जो राज्यों में हमारे क्षेत्रीय दल थे वो कहीं कहीं एक मजबूती प्रदान करते हैं, यानी क्षेत्रीय दलों का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, और कहीं कहीं जो हमारे क्षेत्रीय दल थे वो कहीं कहीं मजबूत हुए, और क्षेत्रीय दलों का एक प्रकार से क्या रहा कि क्षेत्रीय दल कहीं कहीं उभर करके सामने आते हैं। देखेंगे कि अगर आप देखोगे कि कहीं कहीं जाति आधारित राजनीति में अगर देखेंगे तो जैसे BSP, यानी आप देखोगे कांशीराम जी ने, कांशीराम और कहीं कि आप मायावती का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, कि आपने सुना होगा कि दलित आंदोलन भी होते हैं, और दलित आंदोलन कहीं कहीं दलितों की एक प्रकार की राजनीति हुई, उसको हम क्या कहें, पहचान आधारित राजनीति। पहचान आधारित राजनीति में जैसे जाति की राजनीति है, राजनीति हो रही थी, धर्म आधारित राजनीति है, और किसानों की भी राजनीति रही, ठीक है, किसानों की भी राजनीति रही। बजरंग दल और RSS ने, ध्यान सुना, बजरंग दल और RSS ने कहीं ना कहीं गौ रक्षा आंदोलन किए, और कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन जब हिंदी के लिए आंदोलन होता है तब कहीं ना कहीं उसका तमिलनाडु में एक विरोध हमें देखने को मिलता है, कि तमिलनाडु के लोगों पर कहीं ना कहीं हिंदी को थोपा जा रहा है, इस प्रकार के कहीं ना कहीं वहां पर आरोप भी लगे, ठीक है। अगर और भी अगर हम धर्म आधारित अगर हम जाति आधारित राजनीति को देखेंगे तो कई सारी पोलिंग पार्टियां बनती, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो जाति के आधार पर बनी, जैसे BSP मायावती जी की है, एक जाति आधारित राजनीति का कहीं कहीं ऊपर से निकली। अगर मुलायम सिंह यादव को देखो तो समाजवादी पार्टी कहीं कहीं रही, समाजवादी पार्टी भी कहीं कहीं जाति आधारित राजनीति का ही कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर आप बिहार में चलोगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर कर्पूरी ठाकुर जी रहे, कहीं कहीं राजनीति में उभर करके आते हैं, और कहीं कहीं दलित और पिछड़ों की राजनीति होती। 80 के दशक में कहीं कहीं जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति, और कहीं कहीं सकते हैं दलित और पिछड़ों की राजनीति कहीं कहीं भारतीय राजनीति और भारतीय परिदृश्य में कहीं कहीं उभर करके सामने आती है। और यहाँ पर जैसे मैंने BSP का नाम लिया, और कहीं कहीं कांशीराम का जैसे बाम सेफ उन्होंने बना रखा था, तो मान्यवर जो कांशीराम है, कांशीराम का बाम सेफ, और कहीं कहीं यह इस टाइम पर दलित आंदोलन के द्वारा कहीं कहीं दलित राजनीति का एक कहीं कहीं उभार होता है, और दलितों को लेकर कहीं कहीं राज्य की राजनीति में कहीं कहीं हमें एक उभार देखने को मिला। यूपी और पंजाब में जैसे किसानों का कहीं कहीं, जैसे अभी किसान आंदोलन जो जो भारतीय किसान यूनियन है ना, इसने भी कहीं कहीं किसान, यानी किसान आधारित राजनीति रही। किसान आधारित राजनीति देखोगे तो उसमें चौधरी चरण सिंह, किसान आधारित राजनीति अगर देखेंगे तो उसमें बड़ा नाम क्या रहा है, जैसे चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह भी किसान आधारित राजनीति में, यानी कहीं कहीं किसान को लेकर पॉलिटिक्स हो रही थी। अगर हम पूरी राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे तो किसान कहीं कहीं पोलिंग पार्टियों में कहीं कहीं ज्यादा रहा, किसान जाति धर्म इस आधारित कहीं कहीं राजनीति का, यानी भारत में, उत्तर भारत में अगर देखेंगे दलित और पिछड़े वर्ग की उस समय में राजनीति में कहीं कहीं उन्होंने योगदान दिया।
जो बहुत सारे दक्षिण भारत में विदित हैं। उत्तर भारत में दलितों को राजनीतिक में बीएसपी ने कहीं कहीं पिछड़े वर्ग का जनता में और जनता दल के रूप में कहीं कहीं राजनीति का, यानी कहीं कहीं बीएसपी और जनता दल ने, जनता दल ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी, और कहीं कहीं अगर हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार, इन लोगों ने भी कहीं दलित और पिछड़ों की कहीं कहीं राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम 70 के दशक में देखेंगे तो उत्तर भारत में कहीं के दक्षिण भारत में कहीं के रहा, लेकिन 70 के दशक में और 80 के दशक में रुझानों में अंतर दिखा। जहां 70 के दशक में किसानों में जहां जहां हरित क्रांति और भूमि सुधार कहीं कहीं पर, अगर हम 70 का दौर देखें तो वहां पर हरित क्रांति और कहीं के भूमि सुधार कहीं कहीं मुख्य रहे, यानी भूमि सुधार और कहीं के हरित क्रांति कहीं कहीं मुख्य मुद्दे हमें कहीं के उभर करके सामने आते हैं। वहीं 80 के दशक में कृषक अन्य मुद्दे जैसे बाजारी अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे को उठाते हैं। नई सामाजिक शक्तियों में कई राजनीतिक मांगे उठी, ये मांगे आरक्षण के मुद्दे कहीं, वहीं नए राज्यों के सृजन की मांग को लेकर केंद्र और राज्यों तक संसाधनों का अधिक आवंटन के रूप में कहीं कहीं परिलक्षित हो रही थी। अगर कहीं कहीं देखेंगे तो जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति और कहीं कहीं के दलित आधारित राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, यानी इस टाइम पर दलित राजनीति, पिछड़ों की राजनीति और कहीं कहीं आदिवासियों की कहीं कहीं राजनीति में अगर देखेंगे तो कहीं कहीं एक विशेष योगदान रहा। यहाँ पर पूरी 80 के दशक में यानी कहीं कहीं पहचान यानी आइडेंटिटी को लेकर पॉलिटिक्स चलती रही, यानी कहीं कहीं आइडेंटिटी को लेकर के पॉलिटिक्स, चाहे किसानों को देखोगे, चाहे आप जाति को लेकर के बहुत सारी पोलिंग पार्टियां बनती हैं, कई सारी पोलिंग पार्टियां बनती, कई सारी पार्टियां सरकार में आती हैं और उन्हें जाति आधारित राजनीति, यानी कहीं कहीं जाति आधारित राजनीति का कहीं कहीं विकास होता है। और कहीं कहीं जाति आधारित जो राजनीति थी वो कहीं कहीं हमारे पूरे अगर देखेंगे कि राज्यों की राजनीति में एक तरह से कहीं कहीं हावी रही। अब देखेंगे भूमंडलीकरण का प्रभाव, यानी राज्य की राजनीति में, ध्यान सुना, राज्य की राजनीति में भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव रहा। अगर देखेंगे तो राज्य की राजनीति यानी स्टेट पॉलिटिक्स में अगर देखेंगे कि जो भूमंडल यानी ग्लोबलाइजेशन जो होता है, ग्लोबलाइजेशन का यानी भूमंडलीकरण का कह लीजिए, या भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव, यानी वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, यानी वैश्वीकरण का क्या प्रभाव। देखो अगर हम शुरू में देखेंगे, ध्यान सुना, पहले क्या होता था कि जो हमारी केंद्र सरकार होती थी, जो हमारी केंद्र सरकार होती थी कहीं न कहीं वही ही क्या कर सकती थी, किसी किसी अन्य देशों से, दूसरे देशों के साथ कहीं कहीं अगर हम बोलेंगे तो कहीं आर्थिक समझौते कर सकती थी। जैसे इंडस्ट्री लगाना है, फैक्ट्री लगाना है, कोई आर्थिक समझौता करना है, या कोई किसी मुद्दे पर कहीं के असमंजस बनना था तो केवल केंद्र सरकार ही करती थी। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और कहीं कहीं वैश्वीकरण हुआ, तब हमारे जो राज्य हैं वो भी कहीं कहीं दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे देशों के साथ कहीं कहीं क्या कर सकते थे, कहीं कहीं आर्थिक साझेदारी कर सकते थे। आर्थिक आधार पर कहीं कहीं उनमें अगर देखेंगे तो आर्थिक आधार पर कह सकते हैं कि कहीं कहीं उनमें डेवलपमेंट हो सकता है। कहीं कहीं भूमंडलीकरण का देखो, अगर देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है, अगर देखोगे 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से देखेंगे तो 90 तक यानी 90 के दशक तक कहीं कहीं क्या रहा कि कोल्ड वॉर का एक दौर चला, यानी शीत युद्ध, शीत युद्ध का उस दौर था। यानी शीत युद्ध का मतलब होता है कि गैर सैनिक, जिसमें सैनिक नहीं लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ क्या की जा रही थी, मोर्चेबंदी की जा रही थी, और एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी करना और कहीं कहीं माहौल गर्म करने का एक कहीं कहीं प्रकार का कहीं कहीं प्रयास करता। और भूमंडलीकरण का अगर हम प्रभाव देखेंगे तो राज्य की राजनीति में भूमंडलीकरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और कहीं कहीं कह सकते हैं भूमंडली के कारण ही कहीं कहीं राज्य की राजनीति में क्या होता है, बड़ा परिवर्तन और कहीं कहीं एक व्यापक परिवर्तन कहीं कहीं हमें राज्य की राजनीति में देखने को मिला। और कहीं कहीं यहाँ पर राज्य की, देखो पहले राज्य की राजनीति में क्या होता कि कहीं कहीं एक चीज बनी हुई थी कि कहीं कहीं भूमंडलीकरण के कारण कहीं कहीं दलीय व्यवस्था में कहीं कहीं बदलाव देखो, अधिकांश दल कहीं कहीं दलों में अगर हम कहीं कहीं कई सारे दलों का विकास होता है। अगर यहाँ पर देखोगे तो कई सारे राजनीतिक दलों का विकास होता है, जैसे जैसे केंद्र में
जैसे जैसे केंद्र में कांग्रेस पार्टी कमजोर होती चली जाएगी, धीरे धीरे क्या होता है कि अगर हम देखें कि 70 के दशक से ही 70 से ही कहीं कहीं कांग्रेस धीरे धीरे राज्यों में कमजोर होने लग जाती है। उसका कारण क्या था कि कांग्रेस के नेताओं में कि अंदर खाने ही कहीं 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 उनमें असंतोष बना होता, यानी कहीं कहीं कांग्रेस के नेता कहीं कहीं वह अपना स्वयं का आधार बनाने में लगे हुए थे और कहीं कहीं कांग्रेस को इसको बहुत ज्यादा घाटा और कहीं कहीं कांग्रेस के नेताओं में ही कहीं कहीं एक प्रकार का क्या असंतोष हम कह सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस जैसे जैसे राज्यों में कमजोर होती है वैसे वैसे राज्यों में नई नई राजनीतिक शक्तियां कहीं कहीं उभर करके सामने आती हैं और कह सकते हैं कि राज्यों में दो से ज्यादा शक्तियां कहीं कहीं भूमंडलीकरण के दौर में उभर करके सामने आती है और कहीं कहीं भूमंडलीकरण का कहीं जब गठबंधन की सरकारें इस देश में बनने लगती हैं, यानी कह सकते हो कि जब यहाँ इस देश में अलायंस की सरकारें बनी, यानी 90 के दशक में, यानी 89 में जब आप देखोगे बीपी सिंह की जब सरकार बनी थी, ठीक है, बीपी सिंह की जब सरकार बनी थी तो क्या थी, अलायंस की सरकार है, तो कहीं कहीं 89 यानी कह सकते हो कि 90 के दशक में ही कहीं कहीं भारत के राज्य की राजनीति में एक प्रकार के अलायंस सरकार या कह सकते हैं कि कहीं कहीं गठबंधन की सरकारों का कहीं कहीं एक प्रकार से कहीं कहीं रुख आता और कहीं कहीं यहाँ पर गठबंधन की सरकारें बनती हैं और कहीं कहीं अलायंस की सरकारें कहीं कहीं चलने लग जाती है। यानी कहीं कहीं क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ क्या करती है कि गठबंधन करके कहीं के जिस प्रकार से वहां पर पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हम लोगों ने जिस प्रकार देखा। और कहीं के दूसरा क्या मिला, जैसे आप देखोगे कई सारे प्रमुख दल उभर करके सामने, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी अगर देखोगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी का भी कहीं कहीं अपना राजनीतिक आधार बन, देखो बहुजन समाजवादी पार्टी अगर देखोगे आप लोग तो कहीं कहीं वो कई सारे राज्यों में चुनाव लड़ती है, बहुजन समाजवादी पार्टी कई सारे राज्यों में, क्योंकि जिस प्रकार से दलित आधारित राजनीति 80 के दशक में रही और कहीं कहीं आरक्षण को लेकर के और कहीं के दलितों को लेकर वंचितों को लेकर के उत्पीड़न, यानी कह सकते हैं कि दलित आधारित राजनीति कहीं कहीं रही। अगर राज्य की राजनीति देखेंगे तो भूमंडलीकरण का एक कहीं कहीं बड़ा कहीं कहीं प्रभाव पड़ा और कहीं के भूमंडली के कारण ही पहले हमारी जो केंद्र सरकार होती थी, पहले क्या था कि पहले मात्र और मात्र केंद्र सरकार ही किसी अन्य दूसरे देशों के साथ राज कह सकते हैं कि कहीं कहीं आर्थिक समझौते कर सकती थी, कंपनी लगाना है, फैक्ट्री लगाना है, कोई आर्थिक समझौता ना, तो हमारी केंद्र सरकार ही कर, लेकिन जब भूमंडलीकरण होता है यानी वैश्वीकरण होता है तो हमारे जो राज्य हैं यानी राज्य की जो स्टेट जो राज्य जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां थी उनकी राज्यों में जो सरकारें थी वो भी कहीं कहीं विदेशों के साथ कहीं कहीं आर्थिक समझौते कर सकते थे। और कहीं कहीं कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश तथा पंजाब तथा मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और पंजाब में अगर देखोगे अकाली दल का कहीं कहीं उभर करके सामने आती है कि 80 के दशक में जरही वो अकाली दल हमारे सामने उभर कर आती, राष्ट्रीय लोक दल यानी आपने नाम सुना होगा RLD जो अजीत सिंह और कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह और प्रेजेंट टाइम में कहीं कहीं उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं जयंत चौधरी, आपने देखा यूपी के चुनाव में कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के साथ उनका क्या गठबंधन बना, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कहीं कहीं ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, ठीक आगे देखिए, गुड इवनिंग, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी अगर देखो राज्य की राजनीति देखो, अगर हम दक्षिण में अगर पार्टियों की जिक्र करेंगे तो दक्षिण में अगर देखोगे तमिलनाडु में DMK और AIDMK का कहीं कहीं कह सकते हो। देखो जैसे हम देखेंगे हर राज्य में देखेंगे कहीं कहीं पोलिंग पार्टियां कहीं कहीं उभर करके सामने आती हैं 80 के दशक में, जैसे अगर हम देखेंगे तमिलनाडु देखोगे तो वहां पर DMK और IADMK, आप DMK समझ सकते हो जयललिता का नाम आप सबने सुना होगा, दूसरा M करुणा निधि का भी नाम सुना, उनकी M करुणा निधि की जो पार्टी है DMK और प्रेजेंट टाइम में उन्हीं के बेटे क्या है स्टाइलिंग जो क्या है कि कहीं कहीं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, और जयललिता भी आपने सुना होगा जिनको अम्मा के नाम से बहुत ज्यादा फेमस रही हैं, ठीक है, जयललिता हैं। उसी प्रकार से देखेंगे कि आप जब देखोगे तो TRS और कहीं कहीं अगर देखोगे तो TRS भी बनी, यानी TRS का मतलब क्या तेलुगु देशम पार्टी, और TDP भी रही, TDP भी कहीं कहीं हमारे सामने कहीं कहीं उभर करके सामने आती, यानी 80 के दशक में अगर देखोगे तो कहीं कहीं पहचान आधारित और कहीं कहीं भूमंडलीकरण का एक प्रभाव, यानी देखो जब भूमंडलीकरण नहीं हुआ था तो जितने भी आर्थिक समझौते होते थे वो कहीं कहीं हमारी केंद्र सरकार ही कहीं कहीं आर्थिक समझौते कर सकती थी। भूमंडलीकरण जब तक नहीं होता तब तक और मात्र हमारी केंद्र सरकार ही कहीं कहीं क्या कर सकती थी, आर्थिक समझौते कर सकती थी दूसरे राज्यों के साथ, यानी दूसरे राज्यों के साथ और कहीं कहीं दूसरे देशों के साथ।
वो हमारी क्या कर सकती थी, केंद्र सरकार ही कहीं कहीं आर्थिक समझौते कर सकती थी। लेकिन जैसे 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 भूमंडलीकरण हुआ, वैसे वैसे हमारी जो कहें राज्यों में जो पार्टियां होती थी, राज्यों में कहीं जो हमारे राज्य होते थे, वो भी अन्य देशों के साथ, या अन्य देश कह लीजिए या दूसरे के देशों के साथ कहीं कहीं वह राजनीतिक समझौते कर सकते थे, या कर सकते हैं, यानी आर्थिक आधार पर, जैसे कंपनी लगाना, फैक्ट्री लगाना। और कहीं कहीं अगर जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर यानी कहेंगे वैश्वीकरण हुआ, वैसे वैसे कह सकते हैं कि कई सारी राजनीतिक पार्टियों को फायदा होता, जैसे दलित पिछड़े वर्गों के बाद गैर चुनावी लामबंदी को बढ़ाएं कहीं बढ़ाओ, यानी कह सकते हैं कि 80 के दशक में दलित राजनीति कहीं के उभर करके सामने आती है, जाति आधारित राजनीति, दलित वंचितों की कहीं की राजनीति थी। और कहीं एक चीज लिखना कि आरक्षण को लेकर के एक कहीं कहीं बड़ा आंदोलन, और कहीं कहीं आरक्षण को लेकर के भी कहीं कहीं राजनीतिक पार्टियां, कहीं कहीं आरक्षण भी मेन मुद्दा बना रहा, ठीक है, आरक्षण भी मेन मुद्दा कहीं कहीं बना। कुछ मैं राजनीतिक पार्टियों का नाम लेता हूं, देखिए जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, क्योंकि कहीं कहीं दलित जो हमारा जो दलित समाज है वो कहीं कहीं पूरे देश में फैला हुआ, और कहीं कहीं जिसे बहुजन समाजवादी पार्टी का अगर देखोगे यूपी में, बिहार में, और कहीं कहीं पंजाब में अगर देखोगे सबसे ज्यादा हमारा SC ST लोग रहते हैं, तो कहीं कहीं वहां पर भी एक प्रकार से कहीं कहीं जो हमारा दलित समाज है वो कहीं कहीं अगर देखोगे तो वहां पर कहीं कहीं मायावती यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का कहीं कहीं विस्तार होता है। उसी तरह कहीं कहीं समाजवादी पार्टी देखोगे, अगर देखेंगे तो बिहार में देखोगे तो लालू और नीतीश यानी वहां JDU और RJD का कहीं कहीं अगर देखोगे 80 के दशक में कहीं कहीं उभर करके सामने आते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं वहां पर कह सकते हैं कि कहीं कहीं राज्य की राजनीति में कहीं कहीं। दूसरा देखोगे या शिवसेना का कहीं कहीं अगर महाराष्ट्र में देखो, कहीं कहीं शिवसेना उभर करके सामने आती, महाराष्ट्र में शिवसेना रही। DMK और AIDMK का मैंने आपको नाम ले लिया क्योंकि उनका नाम लेना थोड़ा टफ है, उन्होंने नाम ये सरा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये उनकी पूरी पार्टी का नाम है, ठीक है, तो आप शॉर्ट में DMK और AIDMK समझ सकते हो, ठीक है। जैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी NCP का अगर नाम लिखोगे तो NCP जो शरद पवार की पार्टी रही, उसका भी कहीं कहीं 80 के दशक में एक प्रकार से विकास होता है, ठीक है। इसमें कोई भूल से ममता बनर्जी का जिक्र मत करना क्योंकि 80 के दशक में ममता बनर्जी नहीं आती, ममता बनर्जी की जो पार्टी बनती है वो 98 में जाकर के बनती है, ठीक है, वो बहुत बाद की बनी हुई पार्टी है। बल्कि इस टाइम से कि भारत में राज्य की राजनीति, ये BPSC थर्ड ईयर की क्लास है, ठीक है, ये थर्ड ईयर की क्लास है और इसमें जरूर ज्वाइन करना इस क्लास को, ठीक है, इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें आपको, इसमें क्या आपको देखने, एक नई चीज देखने मिलेगी कि इसमें हम जैसे यूपी में कौन सी पार्टी रही, यूपी में कैसी राजनीति रही, कौन कौन सी सरकारें बन रही थी, बिहार में कैसे रहा, यानी कहीं कहीं हम राज्यों को पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं हम सिर्फ देश के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी सरकार आई, केंद्र सरकार किसकी थी, और कहीं कहीं हमने राष्ट्रपति और संसद ही पढ़ा होगा, बल्कि यहाँ इस बुक में क्या है, हमें राज्यों के अंदर कहीं कहीं चलना पड़ेगा और राज्यों में किस प्रकार की सरकारें बनी थी और राज्यों में किस प्रकार के कहीं कहीं मुद्दे हावी रहे, क्या धर्म आधारित राजनीति रही। अगर देखो एक चीज बड़ी खूबसूरती, अब मैं जब आपको 50 और 60 के दशक में राजनीति देखो, जब देश आजाद हुआ था ना उस टाइम पर अगर देखोगे तो न जाति आधारित राजनीति रही, न धर्म आधारित राजनीति रही, न पिछड़ों की राजनीति हुई, न दलितों की राजनीति हुई, न वंचितों की राजनीति। जैसे 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 टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, क्योंकि शुरू में क्या रहा, कांग्रेस का कहीं कहीं एक प्रकार से वर्चस्व बना रहा, शुरू में क्या रहा, कांग्रेस का एक प्रकार से कहीं कहीं सभी राज्यों में अगर हम कहें तो कहीं कहीं कांग्रेस का सभी राज्यों में कहीं कहीं वर्चस्व बना रहा और कहीं कहीं कांग्रेस एक बड़ी पोलिंग पार्टी और कहीं कहीं बनी रही। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में क्या होता है कि फूट पड़ती है और कहीं कहीं कांग्रेस कहीं कहीं कई सारे राज्यों में उसके खिलाफ कहीं कहीं लामबंदी होती है और कहीं कहीं लामबंदी होती और कई सारी पार्टियां उसके खिलाफ खड़ी होती हैं, जैसे खड़ी उठती, और कहीं के धीरे धीरे जो कांग्रेस रहती है उसका धीरे धीरे जो जनाधार था, जनाधार का मतलब होता भैया कि सपोर्ट जो है, जनता आपको जिता दी, यानी आपका जो जनाधार यानी लोगों में जो आधार, आधार का मतलब यानी आपको लोग पसंद करें, यानी धीरे धीरे जो कांग्रेस का जनाधार था वो धीरे धीरे क्या रहा होता, कम हो रहा था, धीरे धीरे कांग्रेस का जनाधार कम हो रहा था। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि राज्यों में अन्य जो पार्टियां वो कहीं कहीं हावी रही, धीरे धीरे क्या होता कि कांग्रेस धीरे धीरे कहीं कहीं रुखसत होती चली गई और अन्य पार्टियां राज्यों में कहीं कहीं विराजमान होती चली जाती। और 80 के दशक में पहचान आधारित राजनीति और भूमंडलीकरण का कहीं कहीं क्या प्रभाव रहा उसको भी, यानी भूमंडलीकरण का कहीं कहीं राज्य की राजनीति में एक बड़ा कहीं कहीं प्रभाव पड़ता और कहीं कहीं
इससे जो क्षेत्रीय दल होते हैं, इससे जो हमारे क्षेत्रीय दल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, यानी जो हमारे क्षेत्रीय दल, क्योंकि कहीं कहीं भूमंडलीकरण के द्वारा कहीं कहीं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, यानी अब वो दूसरे देशों के साथ भी कहीं कहीं आर्थिक समझौते कर सकते थे और अपने राज्य के लिए आर्थिक आधार पर किसी दूसरे देश की मदद ले सकते थे, किसी दूसरे कंपनी की हेल्प ले सकते थे, अपने राज्यों में कंपनियां लगवा सकते थे दूसरे देश की हेल्प, यानी कहीं कहीं राज्य की राजनीति में भूमंडलीकरण का एक कहीं कहीं कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रभाव पड़ा। राज्य की राजनीति में रहा कि भूमंडलीकरण का एक कहीं कहीं क्या रहा, सकारात्मक प्रभाव रहा या पॉजिटिव कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। और कह सकते हैं हालांकि गठबंधन के आधार पर सत्ता और विपक्ष दोनों को राजनीतिक मोर्चों पर राजनीतिक प्रभाव, यानी कहीं आप देखोगे कि 80 के दशक में कि कहीं कहीं गठबंधन की सरकारें कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बनती हैं। गठबंधन का मतलब होता है कि अलायंस गवर्नमेंट कहीं कहीं, यानी कहीं के जैसे क्या होता है कि मान लो अगर कोई इलेक्शन होता है, मान ली अगर चुनाव हुआ, अगर किसी पार्टी को वहाँ पर बहुमत नहीं मिला, मान लो अगर इलेक्शन होता है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो जब एक से अधिक पार्टियाँ, ध्यान सुना, जब एक से अधिक पार्टियाँ सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी जब एक से अधिक पार्टियां सरकार बनाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गठबंधन, यानी अलायंस गवर्नमेंट है, यानी उसमें गठबंधन का मतलब जब दो या दो से अधिक पार्टियां सरकार बनाने का काम करती हैं तो हम उसको क्या, गठबंधन सरकार या अलायंस गवर्नमेंट कह सकते हैं, यानी वो अलायंस गवर्नमेंट बनती है, यानी दो या दो से कहीं कहीं अधिक यहाँ पर जब पोलिंग पार्टियां, यानी कह सकते हो राजनीतिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाने का काम करती है, यानी और कहीं कहीं 80 के दशक में गठबंधन की सरकारें भी कहीं कहीं देखने को मिलती। अगर हम भारत में अगर देखोगे तो पहली बार गठबंधन की सरकार कब बनी, 89 में बनती है, यानी 89 में बीपी सिंह की जो सरकार बनती है वो क्या, गठबंधन की सरकार कहीं कहीं अलायंस की सरकार देखने को मिलती है। उसके बाद भी कहीं कहीं आप देखोगे अलायंस की सरकार हमें देखने मिली, उसके बाद जैसे 2000 जी हेलो ठीक है, तो वहाँ पर कहीं कहीं अलायंस की सरकारें हमें देखने को मिली, यानी कह सकते हो कि भूमंडलीकरण के द्वारा भी। दूसरा 80 के दशक में पहचान आधारित राजनीति के बारे में जैसे मैंने बताया, पहचान आधारित राजनीति में एक चीज पॉइंट लेना, जैसे जाति मेन इशू रहा, जाति के आधार पर राजनीति रही, यानी कहीं कहीं कास्ट पॉलिटिक्स कह सकते हो। दूसरा दलित पिछड़े आदिवासी और कहीं कहीं वंचितों की राजनीति कहीं कहीं कह सकते हो कि हावी रही, दलित पिछड़े आदिवासी और वंचितों की कहीं कहीं राजनीति हावी रही। अगला कह सकते हैं कि धर्म आधारित राजनीति भी कहीं कहीं यहाँ पर धीरे धीरे उठ रही थी और कहीं कहीं उठ रही थी। दूसरा किसानों की भी राजनीति होती रही थी, 80 के दशक में किसान आंदोलन भी होते और कहीं कहीं किसान की राजनीति भी कहीं कहीं हावी रही। जनसंघ और RSS के द्वारा, ध्यान सुना, जनसंघ और RSS द्वारा गौ रक्षा आंदोलन भी हुए और कहीं कहीं गौ रक्षा के लिए कहीं कहीं आंदोलन होता और कहीं कहीं बजरंग दल, ध्यान सुनो, RSS और बजरंग दल के द्वारा कह सकते हो कि पूरे देश में हिंदी को प्रचार प्रसारित करने का कहीं कहीं काम किया जाता है, लेकिन हिंदी का दक्षिण भारत में, हमें तमिलनाडु, दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में कहीं कहीं इसका विरोध देखने को भी मिलता है कहीं कहीं राजनीति, यानी और भूमंडलीकरण में अगर आप लिखना होगा तो भूमंडलीकरण में क्या कह सकते हो कि कहीं कहीं भूमंडलीकरण ने भारतीय राजनीति यानी राज्यों की राजनीति को एक प्रकार से उसने किया बदल करके कहीं कहीं रख दिया और राज्य की राजनीति में कहीं कहीं व्यापक परिवर्तन होता है। अब कहीं कहीं राज्य की सरकारें भी कहीं कहीं दूसरे देश के साथ कहीं कहीं व्यापारिक समझौते और कहीं कहीं आर्थिक समझौते कहीं कहीं उनके साथ कर सकती हैं और कहीं कहीं राज्य की राजनीति में देखोगे कि और कहीं कहीं गठबंधन की सरकारें भी हमें देखने मिलती है और कई सारे राज्यों में अगर देखोगे कि दलित आधारित राजनीति, जैसे BSP का कहीं कहीं विकास होता है और कहीं कहीं 80 के दशक में जो BSP थी वो दलित और कहीं कहीं उसमें काशीराम जी का एक बड़ा नाम रहा जिन्होंने बाम से बना रखा था और उसके द्वारा भी कहीं कहीं लोगों को एकजुट, यानी कहीं कहीं कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक प्रकार से लोगों को, आम लोगों को कहीं कहीं एकजुट किया जाता है और कहीं कहीं कई राज्यों में से कांग्रेस की सरकारें क्या होती हैं, डिसमिस हो जाती है, यानी कहीं कहीं लोगों में कांग्रेस का जो जनाधार था वो धीरे धीरे कहीं कहीं समाप्त हो रहा था और कहीं कहीं लोग कांग्रेस को नापसंद करते और कहीं कहीं जाति आधारित और कहीं कहीं धर्म आधारित और कहीं कहीं दलित पिछड़े और कहीं कहीं आदिवासियों की जो राजनीति थी उसका कहीं कहीं यहाँ पर विकास होता और कई सारी पार्टियां भी बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी में कुछ जैसे SP BSP यानी
बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में कह सकते हो कि आरजेडी जेडीयू, और उसी प्रकार से आप हरियाणा में कह सकते हो कि यहाँ पर अगर किसान आधारित राजनीति तो यहाँ पर INDN, इंडियन नेशनल लोक दल, और दूसरा कह सकते RLD यूपी में कह सकते हो कि उसकी भी पार्टी का, दूसरा दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर DMK और AIDMK कहीं के हावी रही, दूसरा आप कह सकते हो कि दक्षिण में अगर देखेंगे तो वहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी और TRS कहीं कहीं रही, ये कहीं कहीं कि अगर देखोगे तो कहीं के वहां पर तेलुगु देशम पार्टी और कहीं के TRS भी कहीं कहीं वहां पर हावी रही। ठीक है, देखिए यानी कहीं कहीं अगर कह सकते हैं कि राज्य की राजनीति में अगर देखोगे तो कहीं कहीं 80 के दशक में राजनीति पहचान आधारित राजनीति, दलित की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, आदिवासी की राजनीति, गरीब की राजनीति, वंचित की राजनीति, और कह सकते हो कि किसान राजनीति, इस प्रकार की राजनीति कहीं कहीं हावी रही। ठीक है, आप देखते हैं अगला जो इसमें है, विद्रोह एवं राज्य राजनीति, यानी कहीं के जो विद्रोह होते हैं यानी आंदोलन और विद्रोह से राजनीति में क्या चीजें रही, तो उसमें देखोगे यानी उग्रवाद और इससे जुड़े मुद्दे भी कहीं के राज्य की राजनीति में, विशेषकर 80 के दशक में पंजाब और उत्तर पूर्व में, भारत और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हावी रहे। 5 अगस्त 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विभाजित किया गया, सबको पता, और दो स्थान रखे गए। इन घटनाक्रमों ने न केवल राज्य की राजनीति पर गंभीर प्रभाव डाला बल्कि इन्हें देश की राष्ट्रीय राजनीति पर भी गंभीर असर डाला। उग्रवाद की समस्याएं, विकास और अंतरजातीय संबंधों में कहीं कहीं, यानी कहीं कहीं एक देखो देखो जब जाति आधारित राजनीति होगी, जब धर्म आधारित राजनीति होगी, तब कहीं कहीं देश की अखंडता और कहीं के देशी एकता पर खतरा पड़ सकता है। यानी जब जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति और कहीं के दलित की राजनीति, पिछड़ों, क्योंकि अन्य जो लोग, तो कहीं कहीं समाज में रंजिश बहुत ज्यादा बढ़ती है, यानी एक समाज दूसरे समाज का एक प्रकार से अगर हम बोले तो कहीं कहीं वह दुश्मन सा बन जाता है, या कहीं कहीं दुश्मन सा प्रतीत होने, यानी अगर कह सकते हैं कि विद्रोह और आंदोलनों का कहीं राजनीति में क्या, यानी कहीं कहीं कह सकते हो कि देश की एकता और अखंडता को भी कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, यानी देश की अखंडता यानी देश की संप्रभुता को भी कहीं कहीं डेंट लग सकता है जब जाति आधारित राजनीति जब बहुत ज्यादा होगी, यानी कहीं कहीं जब कास्ट पॉलिटिक्स को कहीं कहीं ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और कास्ट को लेकर के कहीं जब ज्यादा चीजें होंगी तो वहां पर क्या कह सकते हो कि इस प्रकार की चीजें वहां पर हमें देखने, यानी कास्ट पर जब राजनीति, तो कह सकते हो कि एक जाति को लेकर दूसरे जाति के मन में कई प्रकार के मतभेद और उनमें लेकर के आपसी रंजिश और कहीं कहीं कई प्रकार की चीजें, आप सब भी सोच सकते हो कि जब जाति कहीं कहीं जाति को आधार बना करके चीजें की जाएंगी, यानी अगर हम देखेंगे जब जाति को आधार बनाकर वहां पर चीजों को किया जाएगा तो वहां पर क्या कह सकते हो कई प्रकार के वहां पर उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव भी उसके पड़ सकते हैं, और जब जाति आधारित राजनीति होगी तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है इस चीज का। ठीक है, तो कहीं के इसीलिए कहीं के इसीलिए देखो जब कास्ट पॉलिटिक्स होगी, जाति आधारित राजनीति होगी, उस प्रकार की चीजें कहीं कहीं होगी तो इसका कहीं कहीं प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरी तरफ जैसे देखोगे कि असम गण परिषद, असम में भी देखोगे, असम में भी कहीं कहीं अगर देखोगे तो वहां पर कई चीजों का विरोध रहा, असम में कई प्रकार के देखो कई ऐसी पार्टियां रही भारत में जो आंदोलनों से निकली, कई सारी ऐसी पार्टियां रही जो आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हैं। देखो कांग्रेस तो आंदोलनों की कहीं के उपजज, यानी 1857 की क्रांति हुई और कहीं के कांग्रेस का जो गठन किया गया वो आंदोलन से उतना नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी भी आंदोलन से निकली नहीं पार्टी, लेकिन इस देश में ऐसी कई सारी पार्टियां रही जो आंदोलनों से निकली हुई हैं और जो कहीं के मूवमेंट से निकली हुई कई सारी ऐसी पार्टियां इस देश में रही, यानी आंदोलन जो हुए, ये देखो अगर बोले लोकतंत्र के लिए आंदोलन अच्छी चीज है, लेकिन जब जाति आधारित राजनीति होगी, जब कास्ट आधारित राजनीति, और जब कहीं कहीं जाति और धर्म आधारित राजनीति होगी, उससे क्या होता है कि कहीं कहीं देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी देश की अखंडता और संप्रभुता को कहीं कहीं उसमें क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, यानी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा पड़ सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव का भी कहीं कहीं हो सकता है।
एक और जहां देखोगे 70 के दशक में जहां राज्यों के नेताओं और दलों का उदय होता, यानी 70 के दशक यानी 70 के दशक में अगर हम देखेंगे तो नए नए दलों का और कहीं कहीं क्षेत्रीय नेताओं का बहुत ज्यादा उभार होता। क्षेत्रीय नेता कौन से हैं? जैसे मुलायम सिंह यादव हैं, मायावती हैं, लालू हैं, नीतीश हैं, इस प्रकार से। जैसे चौधरी चरण सिंह है, देवी लाल रहे, ये कहीं कहीं अगर कह सकते हो कि क्षेत्रीय नेताओं का बहुत ज्यादा उभार होता है। दक्षिण भारत में भी कई सारे क्षेत्रीय नेताओं का उभार होता। अगर दक्षिण भारत में अगर क्षेत्रीय नेताओं का नाम मैं बता देता हूँ काफी लोगों का पंथ, जैसे एम करुणानिधि, MGR यानी MG रामाचंद्रन, एक बहुत बड़ा नाम रहा। MGR कभी भी जाके गूगल में सर्च करना ना, MGR कौन है, तो आपको पता चलेगा MGR के बारे में। जयललिता, जयललिता तो बहुत बात की राजनेता रहे। उसी प्रकार के दक्षिण भारत में ऐसे कई सारे जो राजनेता रहे, ठीक है, तो आप उन सारे राजनेताओं को कहीं कहीं इसमें आप लिख सकते हो। तो कह सकते हो कि जैसे जैसे राज्य की राजनीति का, कि कहीं कहीं क्षेत्रीय राजनीति में कहीं कहीं नए नए नेताओं का कहीं कहीं हमें उभार देखने को मिलता है। यानी जहां दूसरी ओर विद्रोही आंदोलनों से कहीं कहीं भमंगिमा करने, यानी कहीं कहीं दृष्टि वाले कहीं के प्रश्न लेंगे। और कहीं कहीं राष्ट्र की राजनीति में अगर देखोगे वैकल्पिक दृष्टिकोण यानी संघ निर्माण दृष्टिकोण का कहीं कहीं समर्थन किया। कुछ मामलों में देखोगे विद्रोह और स्वायत्तता और बाहरी लोगों के खिलाफ असहयोग और उत्पादक होता है। इस प्रक्रिया में नए समूहों का और कहीं कहीं देखो क्या होता, जब कई प्रकार के आंदोलन, देखो जब धर्म आधारित राजनीति, कास्ट आधारित राजनीति, इससे क्या होता कि कहीं कहीं एक समुदाय दूसरे समुदाय में कहीं कहीं क्या होता है, रंजिश बढ़ सकती है। और कहीं कहीं इससे देश की समग्रता और कहीं कहीं देश की अखंडता को कई प्रकार से क्या कह सकते हैं कि डेंट लग सकता है। और कहीं कहीं देखो और 80 के ये जब पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को अगर देखोगे तो कहीं कहीं ये पहला जो चैप्टर होगा, तो मैं कल से आज 3रा दिन हो रहा हम सबका, 3 दिन में अगर देखोगे तो मैंने कहीं कहीं शुरू पूरा मैंने बता दिया कि राज्य की राजनीति में कौन कौन सी ऐसी चीजें रही जो कहीं कहीं आ भी रही। पहचान आधारित राजनीति है, भूमंडलीकरण रहा, और कहीं कहीं कह सकते हो विद्रोह और आंदोलन करा। उससे पहले जो हम जिस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था कि 70 के दशक में नए क्षेत्रीय दलों का विकास होता है, यानी 70 के दशक में देखोगे कि नए नए दल उभर करके सामने थे। पहले क्या रहा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी कहीं कहीं बनती रही थी, यानी कांग्रेस थी, कहीं कहीं स्वतंत्रता मिली और कहीं स्वतंत्रता में कांग्रेस का एक बड़ा योगदान रहा, और कहीं कहीं सभी राज्यों में कुछ सालों तक रहा, लगभग दो दशकों तक अगर देखोगे तो कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। क्या कह सकते हो कि लगभग 2 दशकों तक कांग्रेस का एक छत्र का मतलब होता है कि लगातार जिस पार्टी का कहीं कहीं सरकार रही, यानी कह सकते हो लगभग 2 दशकों तक कांग्रेस का एक छत्र कहीं कहीं शासन होता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं कहीं कांग्रेस का क्या होता है कि कांग्रेस में भी कहीं कहीं कांग्रेस भी धीरे धीरे कई सारे राज्यों में उसको भी कहीं कहीं हार का सामना करना पड़ता। और 70 के दशक में अगर देखोगे तो वहां पर भी क्या 70 के दशक में कि कई सारे क्षेत्रीय दलों का कहीं कहीं विकास होता, कई सारे जो हमारे क्षेत्रीय दल थे वो भी कहीं कहीं उभर करके सामने आते, और कई प्रकार के क्षेत्रीय दलों का कहीं कहीं उभार होता है, और कई प्रकार के क्षेत्रीय दल उभर करके 70 के दशक में अगर देखेंगे तो वहां पर अगर 70 के दौर में चलोगे तो 70 के दौर में क्या रहा कि वहां पर कई प्रकार के क्षेत्रीय दलों का कहीं कहीं उभार होता। उसमें अगर देखेंगे तो 60 और 70 के दशक में राज्य की राजनीति के रूप में कहीं कहीं परिवर्तन में जवाहरलाल नेहरू का कहीं कहीं निधन होता, यानी जब जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है और उसके बाद से कहीं कहीं जब इंदिरा गांधी आती है तो कहीं कहीं एक व्यक्ति विशेष की राजनीति कहीं कहीं इस देश में हमें सामने उभर कर के, हम यानी कहीं कहीं व्यक्ति विशेष की राजनीति कहीं कहीं उदय होता है। और बाद में देखो हरियाणा में जैसे और पंजाब में जाटवा है, यानी कहीं कहीं और जैसे कह सकते हो कि 10 में जैसे जाटव है, बिहार में यादव और कुर्मी, आंध्र प्रदेश में कन्नम और रेड्डी, कर्नाटक में और लिंगायत समुदाय और किसान थे। चरण सिंह ने यानी चौधरी चरण सिंह ने मुख्य रूप से, ठीक है, अगर वहां पर देखोगे तो कहीं कहीं चौधरी चरण सिंह के अगर देखोगे तो वहां पर जिस प्रकार से कहीं कहीं किसान आधारित राजनीति रही, ठीक है। हेलो, देखो कहीं कहीं जैसे चौधरी चरण सिंह है, यानी कहीं कहीं 67 में देखोगे कि धीरे धीरे कांग्रेस कहीं कहीं
कई सारे राज्यों में उसको हार का सामना करना पड़ा। जब कांग्रेस को कई सारे राज्यों में हार का सामना करना पड़ता है तो कह सकते हैं कि कई सारे राज्यों में नई नई पार्टियां उभर कर सामने आती, नए नए नेता उभर कर के सामने, यानी कह सकते हो कि 70 के दशक में, यानी कह सकते हैं कि 70 के दशक, यानी 70 के दशक में ही कहीं कहीं क्षेत्र आधारित राजनीति, क्षेत्र क्षेत्र को लेकर भी इस देश में बहुत ज्यादा। और कहीं के 70 के दशक में एक चीज रही कि एक चीज देखने मिली कि कई सारे राज्यों का गठन भी होता है। उससे पहले 60 और 70 के दशक में कई सारे राज्यों का, और कहेंगे नए, और देखो जैसे यादव वोट को लेकर के, कुर्मी वोट को लेकर के, रेड्डी वोट को लेकर, लिंगायत को लेकर के, कहेंगे कई सारी पोलिंग पार्टियां बनती हैं, कई सारी पोलिंग पार्टियां बनती है। और इन पार्टियों के द्वारा कहीं कहीं कह सकते हो कि क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। यानी 70 के दशक में क्या रहा कि क्षेत्रीय दलों का कहीं के उभर, और 70 के दशक में ही कहीं कहीं इस देश में इमरजेंसी भी लगती है। 70 के दशक में रहा कि इमरजेंसी भी कहीं के लिए, यानी 70 के दशक में रहा कि इमरजेंसी लगी। और पहली बार 77 में क्या होती है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र से हटती है और उसकी जगह पर एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। यानी वहां पर जब जनता पार्टियों की गठन होता है, और कहीं कहीं भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं कि भारत में एक नया प्रधानमंत्री कहीं कहीं उभर करके सामने आता है। यानी कह सकते हो कि वहां पर ग्रुप का लिंक आप पूछ रहे हो, ठीक है, मैं ग्रुप का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो थर्ड ईयर वाला ही सेंड कर दूंगा, तो उसमें ठीक है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या रहा कि जातीय आधारित राजनीति 70 के दशक में देखोगे तो नई नई पार्टियां उभर कर सामने आती। ये जो 70 के दशक में नई पार्टी उभर करके सामने आई है, यही पार्टियां आगे चल करके धर्म आधारित राजनीति, जाति आधारित राजनीति, वंश आधारित राजनीति, ये कहीं 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 धर्म आधारित, और कहीं के देखोगे जैसे यादव की राजनीति रही, अन्य जातियों की राजनीति, यानी कई सारी है। अब तो और भी आपको देखने को मिला, कई सारी ऐसी पार्टियां मिलेगी, एक एक जाति की पार्टी बन गई, एक एक वंश जाति की, छोटी छोटी जातियां उनके लिए भी कहीं कहीं पोलिंग पार्टियां बन गई। और कहीं कहीं एक जो बड़ी पार्टियां होती थी उनके साथ कहीं कहीं ये क्या करती है, कोलेब्रेशन करती है, यानी कहीं कहीं उनके साथ गठबंधन की राजनीति, यानी क्षेत्रीय राजनीति में कहीं कहीं इनका भी कहीं कहीं एक प्रकार से अगर देखोगे तो कहीं कहीं एक बड़ा मूवमेंट रहा। और कहीं कहीं कह सकते हो कहीं कहीं एक बड़ा रुख हमारे सामने कहीं कहीं उभर करके सामने, यानी इन राज्यों में कहीं कहीं अगर देखोगे तो क्षेत्र आधारित, और क्षेत्रीय राजनीति में अगर देखोगे तो वहां पर क्या रहा, कुछ बोलना है किसी को, ठीक, पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखो अन्य राज्यों में इसके कुछ, जैसे देखोगे 70 के दशक में जो क्षेत्रीय राज्यों का गठन होता है और कहीं कहीं क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय शक्तियों का उदय रहा, उसमें देख लेंगे कुछ क्षेत्रीय नेताओं का मैं बता देता हूँ। जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जैसे बिहार में कह सकते हो कि एक नए कुछ नेताओं का, यानी 70 के दशक में क्या होता है कि नए नेताओं का, जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर कहीं कहीं उभर करके सामने आते हैं, हरियाणा में देवीलाल, हेलो, ठीक है, तो हरियाणा में देवीलाल जो किसान की राजनीति करते थे, और किस अगर हम कर्पूरी ठाकुर को देखेंगे तो कहीं के पिछड़ों और कहीं के पिछड़ों और वंचित की राजनीति करते थे। दूसरी तरह देवीलाल, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं किसान आधारित, उत्तर प्रदेश में देखोगे राम नरेश यादव और बाद में मुलायम सिंह यादव जैसे कई नेता वहां पर उभर करके सामने, यानी कह सकते हैं कि 70 के दशक में, यानी 70 का दशक जो रहा, यानी 70 का दशक जो रहा वो भी कहीं कहीं क्या रहा कि कहीं कहीं रहा है कि नई क्षेत्रीय दलों का कहीं का उद्भव होता। उसी प्रकार से देखो कि दक्षिण में भी मंडल और कमंडल की राजनीति, और उत्तर प्रदेश में देखो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत में राज्य राजनीति में कहीं कहीं महत्वपूर्ण रुझान पद, यानी 70 के दशक में का कि कहीं कहीं आरक्षण को लेकर भी मांग उठती है, लेकिन 80 के दशक में जो रहा वो आरक्षण एक मेन मुद्दा बनकर उभर कर आता है और कई सारी राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को मेन मुद्दा बनाती है। यानी 80 के दशक में और 70 दोनों दशकों में कहीं कहीं देखो 70 के दशक में जो रहा आरक्षण एक मुद्दा था, लेकिन 80 के दशक में लेकर के आरक्षण को लेकर कई प्रकार के कहीं के आंदोलन भी हमें देखने मिले। यानी 70 के दशक में रहा कि कई प्रकार के कहीं कहीं यहां पर आंदोलन होते हैं 80 के दशक, लेकिन 70 के दशक में कहीं कहीं आंदोलनों यानी आरक्षण की कहीं कहीं एक कह सकते हो कि उसके बीज अंकुरित हो गए थे और कहीं कहीं आने वाले समय में आरक्षण एक बड़ी मांग और कहीं कहीं एक बड़ी लोगों की कहीं कहीं मांग बनकर के कहीं कहीं हमारे देश में कहीं कहीं उभरने वाला था, ठीक है। तो आरक्षण भी एक कहीं कहीं एक बड़ा मुद्दा, एक कह सकते हैं कि एक बड़ा इशू कहीं कहीं बन रहा था। उसी प्रकार से अगर हम मैं दोबारा जिससे पहले जो माना था, तो 50 और 60 के दशक में अगर राजनीति को देखोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले 50 और 60 से कहीं कहीं शुरुआत करके देखो, जब देश आजाद हुआ, ठीक है, जब देश आजाद हुआ
तो दो दशकों तक कहीं कहीं भारतीय राजनीति पर पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू का कहीं कहीं देखने को मिलता है। और कहीं कहीं जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कहीं कहीं हर जाति को, हर धर्म को, हर कास्ट को, यानी सबको कहीं कहीं लेकर चलने वाले कहीं कहीं नेता हमारे सामने उभर के, यानी कहीं कहीं अगर देखोगे तो अब यहाँ पर अगर एक चीज़ देखूंगी कि जवाहरलाल नेहरू कहीं कहीं हर वर्ग को कहीं कहीं वो अपने साथ लेकर के कहीं कहीं चलते थे, ठीक है। तो कहीं कहीं वहाँ पर जाति आधारित राजनीति ने, वहाँ पर भूमि सुधार कह सकते हो, भूमि सुधारों को लेकर के एक बड़ा कहीं कहीं मूवमेंट में, और भूमि सुधार एक दूसरा राज्यों के गठन को लेकर के कहीं कहीं एक बड़ी मांग रही और नए नए राज्यों का गठन होता, यानी 50 और 60 के दशक में कह सकते हो कि भूमि सुधार एक बड़ी मुद्दा रहा, भूमि सुधार रहा। दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग, आपने सुना होगा कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की, यानी कई सारे राज्यों का कहीं कहीं गठन होता, जब कई सारे राज्यों का गठन होगा धीरे धीरे जब नए राज्य होंगे तभी तो राज्य आधारित राजनीति का कहीं कहीं विकास हो, तभी तो कहीं कहीं राज्य आधारित जो राजनीति की वो कहीं के और एक्सप्रेड होगी और कहीं के और फैलेगी, और राज्य आधारित राजनीति का धीरे धीरे क्या होगा वो जिस प्रकार से डेवलप, यानी कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि राज्य 50 और 60 के दशक में भूमि सुधार कह सकते हो, दूसरा कह सकते हैं कि नए नए राज्यों का पुनर्गठन होता है, और कहीं न कहीं दो दशकों तक कांग्रेस का कहीं कहीं वर्चस्व बना रहा, और कहीं कहीं यहाँ पर पंडित नेहरू और नेहरूवादी राजनीति का कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है नेहरू। और उसके बाद जब होता है कि 60 के दशक में क्या कह सकते हो कि पंडित नेहरू के बाद कहीं कहीं जब इंदिरा आती हैं तो कहीं कहीं व्यक्ति विशेष राजनीति कहीं कहीं हमारे सामने उभर कर के आती है, और कहीं कहीं 67 में कहीं कहीं कांग्रेस को कई सारे राज्यों में हार का सामना करना पड़ता है, और कांग्रेस के कई सारे नेता जो होते हैं खुद का वो क्या करते हैं, यानी कहीं कहीं कांग्रेस के जो नेता थे वो कहीं कहीं अपना स्वतंत्र आधार कहीं कहीं तलाशने की कोशिश करते हैं, और इससे कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी को क्या मिलता है कि एक प्रकार से कहीं कहीं जो कांग्रेस पार्टी थी उसको एक प्रकार से अगर हम कह सकते हैं तो कांग्रेस का धीरे धीरे जो जनाधार था वो धीरे धीरे अब क्या होगा धीरे धीरे कम होने की ओर कहीं कहीं अग्रसर हो रहा था, और कांग्रेस कई सारे राज्यों में से अब धीरे धीरे आगे आने वाले समय में कांग्रेस कई सारे राज्यों में से चली जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है 70 में आते आते क्या होता है कि कांग्रेस केंद्र से भी हट जाती है, और 80 में दोबारा लौट करके आती है, और 89 में क्या होता है फिर कांग्रेस चली जाती है, और फिर क्या होता है कि एक लंबे समय तक कांग्रेस सरकार कांग्रेस जो होती है वह केंद्र में सरकार बना नहीं पाती है, और कहीं जाति आधारित, धर्म आधारित, और दलित की राजनीति, वंचित की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, धर्म जाति इस प्रकार की, आरक्षण को लेकर के राजनीति, और इस प्रकार की कहीं कहीं राजनीति इस भारतीय परिदृश्य पर कहीं कहीं हावी रही, ठीक है। और कहीं कहीं ये पूरा चैप्टर था, जितना चैप्टर था उतना तो मैंने आपको बता दिया। अब किसी का कोई सवाल है तो आप सब जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।